अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी मैं और अनीक आज हनोफा आए थे बॉन्डफाइट से, तो हमने सोचा कि आज बैचलर के एडमिशन के बारे में बात कर लें। अगर किसी ने पाकिस्तान में बैठे हुए बैचलर के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, उसको एडमिशन प्रोसेस का पता होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं उनका पता होना चाहिए, उसके अलावा वीज़ा प्रोसेस क्या। तो ये वीडियो आप लाजमी अंत तक देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेरे साथ अनीक हैं जो बैचलर में जिनका एडमिशन हुआ है TU ब्राउनश्वाइग में, और इनको जर्मनी आए तकरीबन 15 से 20 दिनों में। अनीक, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? मैंने ए लेवल्स किया था पाकिस्तान से, और ए लेवल्स करने के बाद 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो मैं डायरेक्ट इधर बैचलर्स के लिए आया हूँ TU ब्राउनश्वाइग में। और मेरा प्रोग्राम बाइलिंगुअल है, तो 1.5 साल इंग्लिश में एंड देन बाकी 1.5 साल जर्मन में। अगर कोई पाकिस्तान में बैठा अप्लाई कर रहा है और उसकी एजुकेशन 12 इयर्स की है, तो अगर 12 इयर्स की एजुकेशन है तो आपको या तो पाकिस्तान के अंदर 1 साल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, 2 सेमेस्टर्स, और प्रेफरेबल यही है कि आपका प्रोग्राम वही हो जो आपने आगे परसू करना है जर्मनी के अंदर, नहीं तो आप जर्मनी आके स्टूडेंट को लीक करें और स्टूडेंट को लीक के साथ एक लैंग्वेज कोर्स करें। ठीक है, चलें, ये आप वीडियो आप देखिए, इसमें इसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं और लेटर ऑन। अच्छा, पाकिस्तान में एक बंदा बैठा है, उसने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया है, तो अभी उसने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, उसकी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? सबसे पहले उसको, अब उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो जर्मनी आके स्टूडेंट को लीक और एक लैंग्वेज कोर्स के अंदर इनरोल कर ले, या फिर वो पाकिस्तान में ही किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 सेमेस्टर्स पढ़ाई करके अपनी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लें। तो जो स्टूडेंट के लिए और लैंग्वेज वाला ऑप्शन है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो बेहतर यही होता है कि बंदा पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से कर ले। लेकिन बस रिकमेंडेड ये होता है कि आप किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करें, और दूसरी बात ये होती है कि जो आपने जर्मनी के अंदर जिस बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, जैसे कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो आप जो 2 सेमेस्टर कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर साइंस के अंदर ही हो, तो जैसे कराची के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, तो आप उधर से अपने 2 सेमेस्टर्स कर लें, और उसके बाद जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए 2 सेमेस्टर्स की, तो आपने वो सारी अटेस्टेशन वगैरह करवा के VPD आप उसकी ले सकते हैं, और VPD से आपको इक्विवेलेंसी मिल जाएगी, और उससे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब उसकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो गई है, तो वो अपने कोर्सेज बैचलर के जर्मनी में कहाँ से फाइंड करे? कोर्सेज ढूंढने के लिए एक तो dat.de है, तो वो जर्मन गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, तो उसके ऊपर काफ़ी कोर्सेज मिल जाते हैं। एंड दूसरी वेबसाइट जिसने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि कुछ कोर्सेज नए होते हैं उनको टाइम लगता है दात पे आने में, तो वो कोर्सेज मुझे मिल गए थे, एक वेबसाइट है mygermanuniversity.com। और तीसरा आप ये कर सकते हैं, अगर आपको फ़र्ज़ करें किसी को बर्लिन शहर बहुत पसंद है, तो वो गूगल पे जाए, देखे बर्लिन के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उन हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख ले कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और उन प्रोग्राम की लैंग्वेज क्या है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वो प्रोग्राम मिल जाते तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, IELTS का कितना बैंड चाहिए होता है नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ को, और जर्मन लैंग्वेज का कितना बैंड चाहिए होता है? IELTS के लिए यूजली 6 या 6.5 बैंड की ज़रूरत होती है, B2 लेवल वो मांगते हैं, और जर्मन लैंग्वेज के लिए सिवाय एक यूनिवर्सिटी के बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझसे कम अज़ कम A1, और ज़्यादातर ने 2 यूनिवर्सिटीज़ ने A2 मांगी थी, तो जर्मन लैंग्वेज आपको कम अज़ कम A1 तो कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप पॉइंट्स में बता सकते हैं कि बैचलर के एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? बैचलर के एडमिशन के लिए आपको इंटर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो भी आपकी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट वगैरह, और उसके बाद जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी की वो चाहिए होंगी, और इन सबको अटेस्ट वगैरह करवाना होगा आपको। एडमिशन के बारे में हमने बात कर ली कि कोर्सेज कहाँ से निकालने हैं और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अच्छा, अभी अपॉइंटमेंट के हमें पता है कि मास्टर के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, तो बैचलर की अपॉइंटमेंट कब अप्लाई करनी चाहिए? एडमिशन लेटर का वेट करना चाहिए या उससे पहले अप्लाई कर देनी चाहिए? अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो मैं एक ऐसे दोस्त को भी जानता हूँ जो स्टूडेंट के लीग के लिए अप्लाई कर रहा था, और उसका अपॉइंटमेंट आया 1.5 साल बाद, तो आपको मेरे ख्याल से इंटर ख़त्म होते ही, अगर इस्लामाबाद से हैं तो फिर तो फ़ौरन ही अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है,
और अगर कराची से हैं, कराची से हैं तो फिर तो यानी कोई अगर मसला आप नहीं फॉल है। करते हैं कॉन्सुलेट के एरिया में, हाँ कॉन्सुलेट से हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। आपने कब बुक की थी और कितने दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट आ गई थी? मैंने तकरीबन 1 महीना मैंने रोज़ रात जाग के, रात 3 बजे जागना होता है क्योंकि वो तब रिफ़्रेश होती है वेबसाइट और नए अपॉइंटमेंट्स आते हैं, तो 1 महीना मैंने लगाया था। उसके बाद जाके मुझे अपॉइंटमेंट मिला था और 10 जुलाई का मिला था। चलें ठीक है। अभी कोई वीज़ा के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप पॉइंट्स में बता दें? वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर वो उनकी वेबसाइट पे ही लगे हुए हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मोस्टली वही आपकी एक सीवी होती है, सीवी यूरोपास वाली होती नहीं, है। वो जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए थे वो नहीं आपने डिस्कस करने, नहीं वीज़ा के मतलब लिए भी सीवी चाहिए ना। हाँ सीवी चाहिए उसके लिए, लेकिन वो जो एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स है ना, आपकी डिग्रीज होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, वो तो ऑब्वियस है कि वो आपने एम्बेसी को भी शो करनी है। हाँ उसके अलावा क्या क्या चाहिए? ठीक ला तो कुछ नहीं, उनके पास फॉर्म्स हैं जो एम्बेसी की वेबसाइट में, है, सीवी चाहिए उनको, सीवी भी चाहिए, यूरो पास वाली मोटिवेशन लेटर चाहिए, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए। वो वहाँ पे इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्वेश्चंस हुए थे आपसे? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा तो काफ़ी स्मूथ था, लेकिन लोगों का होता नहीं है इतना स्मूथ। बेसिक सवाल थे कि जो कोर्स तुम पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल